हाय फ्रेंड्स, मो चैनल को आपण मानक स्वागत। मुझे मसला आपण मानक देखा तो ये मसलार मुझे सोरस जीरा कंचा लंका अदा रसुण तो आपको भलसे टी मिक्सिंग बाउली आपको भलसे ग्राइंड कर नवा। तो मुझे आपण मानक भिंडी और बैगन मसला दिया सोरस बाटन दिया मसला भजा मुझे यहाँ देखी गोटे रेसीपी तो मुझे वीडियो को एंजॉय करेंगे। जदि मो वीडियो को भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखो ये मसला को भलसे मुझे ग्राइंड कर देखो आपको मैंने पल्स मोड रखी आपको ग्राइंड करेंगे तो जमा भी मैंने टे खतखतरा रही पटे बाजिले ही भल लगे। तो आपको देखो मैं पल्स मोड रखिकी देखो ये अलमोस्ट मानते बेस प्लेन है अल्प खतखतरा मत अल्प टी अच्छी तो मसला आम अलमोस्ट रेडीगला। तो मसला को मुझे गोटे मानने ताटिया गोटे काढ़ी नौ गोटे बाउल रे तो बाउल रे ताको भलसे मानने हाथ में मत पोछ बाहर कर भेडी आईगण मुझे काटी मुझे आपको देखेबी। तो प्रथम मसला बाहर करनी ब्लेंडिंग जार देखु मसला बाहर कर सारापर मुझे मानने स्वाद अनुसार लुण पकई दे स्पून बड़ दि स्पून मानने लुण पकई जेहेतु आम बैगन भेंडी रे मानने मुझे बैगन भेंडी लुण से मुझे आड कनी तो ये मसलार मुझे सब लुण आड करदे जेहेतु मैंने मसला भितर पशिले सब मानने ठीक ठाक लगे। तो देखो मुझे भेंडी को एमती मझे एमती दीफाड़ कर बैगन को एमती मानने चार्टा मानने बैगन को एमती चार्टा फाकुड़ा करी रखी तला लगे टी लग रखी काटे खाइले मतलब बहुत टेस्ट लगे घर आपको निश्चय मैंने भी आपको मैंने मुझे प्रिफर करी आपको भात सहित खायापी भात सहित खाइले बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। ये बैगन आ भेंडी मसला दि भजा सोरस बाटन दि देखु भलसे मुझे ये कवर करेतु मोर बैगनटा बड़ तो से पूरा भलसे पूरा पूरा भर्ती कर मसला से मुझे बाकी जहाँ मसलार सब भेंडी ये आड करवा। तो देखिपे मुझे मिनि भेंडी मुझे मिनि भेंडी नहीं पूरा छोट छोट भेंडी खावाक मतलब बहुत बढ़िया लगे गोटे भेंडी पूरा खाई पूरा मसला दि भजार देखिए छोट छोट भेंडी नहीं चाहिए बड़ा भेंडी नहीं पारे मिनि भेंडी। तो देखो मुझे एमती मैंने प्रोसेस मानते भेंडी को एमती दीफाड़ा मधे से मसला देखिए भर्ती कर देखु मुझलमोस्ट सबकि बैगन भेंडी रे मसला अलमोस्ट भर्ती कर सारे तो ये मुझे गैस अन कर पैनटा बसई सारे पैन गरम हो सारापर मुझे रिफाइन तेल दु स्पून खंडे एड करके भलसे टे स्प्रेड कर नवा देखो तेल अलमोस्ट चार स्प्रेड हो गला। तो ये तेल गरम हो सारापर मुझे भेंडी रखी थी सैज कर धीरे धीरे पकोची तो दसटा रु बारटा खंडे भेंडी ए पकेली। तो पकई सारापर आपको लो फ्लेम धीरे धीरे भाजवाक दबा हल्का ब्राउन कलर आसे लाइट ब्राउन कलर आसला पर्यटन भाजबे अधिका भाजबे ना पूरा भेंडीटा पूरा पिता लग मैंने भेंडीटा पूरा मानने फ्राई हो पूरा पिता तो सोरस जेहतु दिखाई तो पिता लगे तेतु हल्का भाजब हल्का भाजबे जमती सोरस बाटन दि मानने मसलाटा जमी पार्टी को पूरा टिके मानने अलमोस्ट भाजी हो दुटा जाक मानने मानने भेंडी सहित मसला मत अलमोस्ट भाजी नब लाइट ब्राउन कलर आईला पर्यटन आपको भाजबे अधिक भाजबे देखो मझे मैंने गोटे सैड हो सारापर दुई मिनट आ गए सैड मुझे उल्टे देली देखो धीरे धीरे कलर मध्य आरो चेंज ही आसला भेंडी रो देखो भेंडी आम अलमोस्ट रेडी ही सारा प्राय दु मिनट भाजला दु तीन मिनट भाजला देखु बेसी ताक मानने ये करेनी ब्राउन कलर करेनी हल्का माने टिके ब्राउन कलर आसला मुझे काढ़ी नहीं अल्प समय टिके भाजला देखो ताको भलसे बाहर करवा। तो तापर देन ये सब भेंडी काढ़ सारापर तो बैगन जो मसला देखे मुझे रखी ताको ये भाजवा जो
ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭାଜି ମାନେ ଭେଣ୍ଡି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥର ଏବେ ବାଇଗଣ ପକାଉଛି। ତ ଭଲସେ ବାଇଗଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଲିଡ୍ ମାନେ କଭର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବଡ଼ ବାଇଗଣ କହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ବି ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ଛୋଟ ବାଇଗଣରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ ବାଇଗଣରେ ମସଲା ଦିଆ ଭଜା ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭାତ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ମନ ଭରିଯିବ, ଇଜିଲି ଖାଇହେବ ମଧ୍ୟ ଭାତ ସହିତ, ଭାତ ଡାଲି ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇଥିଲି ସେ ବାଇଗଣ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାଇଗଣଟା ତ ଆର ମାନେ ଚାରିଟା ବାକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆର ଲାଗିକି ରହିଛି, ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେଭଳି ଦିଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ି ସାରି ଏ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ରଖିଛି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତ ସେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇଗଣଟା ମଧ୍ୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରି କରି ମୁଁ ଭାଜୁଥିଲି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପୁଷ୍ପା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲେସିଂଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମୁଁ ମୋ ମାନେ ଭିୟର୍ସ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଭଲ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତୀକ, ଭଲ ମାନେ ଭଲ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଥାନ୍ତି, ତ ଯେମିତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ମା ପୁଅକୁ ବାପା ଝିଅକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଏମିତିକି ସଂସାର ସମସ୍ତ ମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ତ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏଇ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ ଆର ବର୍ଷ ଆସିବ ଏମିତି ତ ଲାଗି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ମାନେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି କି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କମିଯିବନି, ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାସ୍ କରିବ ନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ର ରେସିପି ଧରିକି ଆସି। ତ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କଲି ନା ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ମାନେ କେକ୍ କାଟିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଗୋଟେ କେକ୍ ବନେଇବା ନା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ କେକ୍ର ରେସିପି। ଯଦି ମୋ କେକ୍ର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି କେକ୍ର ବ୍ୟାଟର୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି, 1/2 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମାନେ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, 1 କପ୍ ଚିନି, 2 କପ୍ ମଇଦା ପାଇଁ ମୁଁ 1 କପ୍ ଚିନି ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ହେଉଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଆଉ କଲର୍, ଆଉ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ, ଆଉ ତେଲ। ତ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନେଇଲା ପରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ହେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଭେଲଭେଟ୍ କେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଚିନି 1 କପ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ପକାଇ ନେଇଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1/2 କପ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ତ ସେ କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟର୍ ମିଲ୍କ ବନେଇବା ସେଥିପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁର ମଧ୍ୟ ମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ବଟର୍ ମିଲ୍କ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭିନେଗାର ଥିଲା ତ ଭିନେଗାରରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଠିପି ପକାଇ ସାରୁଛି। ତ ପକାଇ ସାରି ଆଗକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମାନେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମର ବଟର୍ ମିଲ୍କ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲା। ତ ତାକୁ ଏବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପକାଇବା।
तो मुझे चीनी आ बटर मिल्क मानने पकेली तो देन ए तेल आड करवा मुझे मानने वन बै फोर कप माने तेल नहीं अध कप्रु टे ऊपर सेटा हूँ वन बै फोर कप तो ये तेल को रिफाइन तेल को भलसे मानते ब्लेंडिंग जार मुझे पकई नौ आगे मानते पक सर आर गोटे फाइन पेस्ट बनईदेबा तो आपड़ एमती भी मानते जल्दी बन क्विक बनवाई जब चाहते एमती प्रोसेस यूज करें ना आप सब मानते चीनी को मानते भलसे मिक्स कर चीनी पाउडर बनई आपज करें तो देखते मोर भलसे आर गोटे स्मूथली बैटर बनईदी अलमोस्ट आम बैटरटा अलमोस्ट रेडी सारा तो देखो ताको ब्लेंडिंग जार भलसे मैंने ये करवा भलसे काढ़ी नवा तो काढ़ी नहीं सारापुर मुझे कौन कौन मानते सुखा इनग्रीडियंट्स मिसाऊँ मुझे आप देखिए तो देखु माने सो माने से बैटरटा पक सारापर मुझे जो दी कप मैदा रखी थी से दी कप मैदा मुझे दी कप मैदा मुझे आड कर भलसे देखिए जमा भी स्किप करें ना मैंने केक्र रेसीपी पूरा क्वांटिटी मानते सेम क्वांटिटी यूज करेंगे देखते मुझे दी कप मैदा पक सारापर गोटे चामच हूँ बेकिंग पाउडर अध चामच खाए बेकिंग सोडा मुझे आड कर गोटे स्पून खंडे छोट स्पून रे गोटे स्पून खंडे वैनिला एसेंस तो पकई सारा मैंने आपको आम भलसे मानते चामच साहर भलसे आपको मिक्स कर तो जेहेतु आम से मानने केक्र मानने येटा चामचे जब फेटा तो मानने बाहर पड़ जबार संभावना था तो प्रथम मुझे चामच साहर भलसे फेटी नौ तो फेटी सारापर तर तापर आम केक्र जो स्पून सैड रखी ते तो सहीटे मुझे फेटी आपको गोटे कंटिन्यूसरे फेटा तो फेटी सारापर ही आमर मानने केकटा भलसे स्मूथ हम फ्लफी हम तो कंटिन्यूसरे आपको पाँच रु सत मिनट पाँच रु सत मिनट मैं फेटा तो फेटिले ही आम फ्लफी हम केक तो यही ही मोर गोटे ट्रिक जे आपण मैंने जिते फेटे से फ्लफी हम जेहेतु खाइबा सोडा बेकिंग पाउडर पड़ी तो सहीटा मानते फ्लफी हुए कि फेटिले भी अधिक फ्लफी हुए तो पाँच रु सत मिनट आपको कंटिन्यूसरे फेटा तो देखु चामच स्पून गोले सारापर मुझे गोटे कप मानते क्षीर आड करध कप बटर मिल्क आउ हाफ कप हूँ क्षीर तो देखो मुझे ये गोलाऊँगी जो क्षीरटा मुझे रखी कि मैंने तार कनसीस्टेंसी देखिक ही मुझे क्षीर पकई आपण क्षीर कम मानने क्षीर जदि आपण कम यूज हो तो ठीक अच्छे तो मु मानने मोर बैटरटा टी मानते मोटा लगला मोटा लगे देखे कि मुझे क्षीर पकुची बैटर को जमा भी मोटा करें तार थिकनेस मुझे आगे देखी केमती रार बैटर तो देखो मुझे मानते बटर मिल्क अध कप आध कप हूँ मानते मिल्क आड कर टोटाल मुझे गोटे कप मिल्क ही आड कर आपको भलसे कंटिन्यूसली गोलेबे जमती आम केक पूरा फ्लफी होकर उठब फ्लफी हम और स्मूथ हम देखो केमती कंटिन्यूसली आपको पूरा गोलाऊँगी तो टिके मत मोटा लगला तो मुझे जो रखी थी अल्प अल्प टिके क्षीर ताको मुझे पकईकी भलसे आपको गोल नेबी
देखु पूरा पाँच रु सात मिनट हो सारापर आम केक्र बैटर केमती कौन मानने फ्लफी पूरा कौन पाँच रु सात मिनट गोल सारापुर के बढ़िया पूरा स्मूथ मिक्सचर टी गोटे प्रिपेयर होती देखते पूरा उपर को टिकली एम कंटिन्यूसली जब गलु थो तो जापारे मैंने बैटरटे आम पूरा परफेक्ट अच्छे केक् बनवाई तो देखो यहीटा भी बैटरटा अलमोस्ट रेडी सारा पूरा मिक्सचरटा मत बहुत बढ़िया अच्छी तो आपको गोटे आपको आम डिड करदे हाफ हाफ डिड करदे पाखे जो मैंने बाउलटा रखी से बाउल मुझे मैंने हाफ हाफ करदेवी बैटर को तो देन ये मुझे कलमाली कलर मिसेबि स्पून जो कलर रखी आपने कन्फ्यूज होते मानने रेड मानने ऑरेंज मानने मानने कहूँगी मानने रेड कलर देखा चामचर अच्छे तो ऑरेंज कलर केमती हे तो आपड़ा जापर तो यहाँ मुझे रेड ऑरेंज कलर फूड कलर मुझे एड कर तो से कहीदे तो कलरटार मैंने सुखा गुंडटा मुझे कलर कलरटा पूरा रेड देखा किंतु बनैला पूरा ऑरेंज ही देखा जीवो तो से आर ना ऑरेंज ऑरेंज वेलवेट केक तो आपड़ मैंने निश्चय घरे ट्राए करेंगे आउ देखु मुझे मानने कलरटा रखी थी से कलरटा मुझे ये पकाची आपको गोल सारापर गोल यहाँ पूरा मानने ऑरेंज कलर ही देखा देखा देखिपे आपने कलरटा पूरा ऑरेंज कलर ही देखा तो से ऑरेंज वेलवेट केक् कही भलसे मैंने कलर सहित से बैटरटा को मैं भलसे पूरा मैंने मिक्स कर देखु मिक्स कर सारापर दीटा जाक बैटर आम अलमोस्ट रेडी गला गोटे व्हाइट आ गोटे ऑरेंज तो देन मुझे आपण मानक अलमोस्ट मु माने जेहेतु मु आपण मानक कड़ाई रे बने कि देखेबे केक तो सेति पे मु गोटे नॉनस्टिक कड़ाई नहीं छी तो नॉनस्टिक आपण चाहिले सॉसपैन रे मध्ये बने परिबे आ नहले कड़े में बन पारे तो मुझे मानक नॉनस्टिक कड़े देखा तो यही नॉनस्टिक कड़े मैंने बनले आपण मानक बटर पेपर मैं यूज कराया पड़बन क्विक मानने केमती कड़े आपण मैंने मैंने केक् बन पारे मुझे रेसीपी आपण सहित सेयार करुच्चे जमा भी स्किप नक देखिए तो तेल भलसे चार बाटे लगे सारापर मुझे जो लगे सारापर ए मैदा स्प्रेड कर देखु चारिड़े पूरा मैदा भलसे पूरा स्प्रेड कर ना तो स्प्रेड कर सारापर आर ए मैंने स्टार्ट करवा लेयरिंग प्रोसेस तो देखो मुझे प्रोसेस पकाचे सेमती सेमती प्रोसेस पकेबे तो जमा भी आपण का केक् पूरा बिगड़बन परफेक्ट हम तो देखु अलमोस्ट मुझे पकई सारे ये अलमोस्ट रेडी सारा तो ये मुझे प्रथम ये जो व्हाइट कलर मानने बैटरटा पकेबि तो देखु पूरा मझी मैं सेंटर साइज रे पकेबे तो व्हाइट कलर बैटर पकई सारापर एम जो ऑरेंज कलर बैटरटा जो प्रिपेयर रही से ऑरेंज कलर बैटरटा भी पकेबा देन ए व्हाइट कलर पकाचे ऑरेंज कलर पकेबा एमती सेम प्रोसेस रे सब किसी बैटर आम मैंने लेयरिंग बाय पकेबा
तो देखिपड़ी यार कलर मतलब बहुत ही यूनिक लगुच देखापी मतलब बहुत सुंदर लगुच तो खाइबे तो मजा तो बहुत निरा तो निश्चय घर ट्राए करेंगे बहुत यामी होता बहुत फ्लपी होता तो मोर मानने मुझे केक मैंने रेसीपी सेयार करको भलसे मैंने फलो करेंगे निजे घरे बनवे समस्त फ्रेंड्स रिलेटिव्स मानू मैंने देवे आपण को वैलेंटाइन्स डे केमती कटिला मत निश्चय कमेंट सेक्शन में जनवे देखु एमती लेयरिंग प्रोसेस देखु बैटर आमर मैंने अलमोस्ट मुझे सब पक सारे तो आपको जमा भी हाथ मानने स्पून साइज मैंने ये करें से आपे आपे धीरे धीरे पक सारापुर स्प्रेड होपे आपे देखु अलमोस्ट आमर मैंने लेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट मानने फिनिश हो गला तो कते सुंदर देखा जाने के यूनिक देखा जाऊँ तो आपको आर गोटे डिजाइन बनवा तो मुझे गोटे स्पून गोटे छुरी नहीं छुरी मानने मानने धार मूल तो आपको गोटे मानने फुल साइज रोटे मानने ये बनईदे डिजाइन बनईदे तो जेहेतु केक आम जब रेडी हो पूरा भल से यूनिक देखा सुंदर मैं देखा तो से मुझे बनाऊँ
आपणको मन पसंद डिजाइन मध्ये आपण बनि पारिबे। तो देखंतु बहुत सुंदर देखा जाउछि, यूनिक मध्ये लागुछि। आपको भसे ठीक देखंतु म आपण मन पाखरे देखे देली, आपको भसे ठीक डैप डैप कर देबे तळे। तो डैप डैप कर सला परे जेन आमर केक बसैया पई एबे रेडी हे गला। तो केमिति देखंतु मो गोटे माने कागज रे जो माने लीड टाको बंद कर दउछि जो होल थिबो, तो लीड बंद कर सला परे मो देखंतु मो गैस माने तेल रे भलसे सॉरी गैस माने गैस रे मो तावा ऑलमोस्ट मोर माने हीट हे सलनानी, तो ऑलमोस्ट गरम हे सला परे मो जो माने केक रो बैटर टाको मो एथरे माने एबे पके नउछि। आको पूरा तावा रो माने सेंटर रो साइज रे ही केक टाको रखिबे, से परफेक्ट साइज रे रखिबे। तो मो डैप डैप डे कर सला परे के तावा उपरे केक टाकु रखिबे सेंटर साइज रे, जेतु माने केक रे जदी किछि बबल्स देबो से बबल्स गुडा बाहर जइबो। देखंतु मो गैस रो फ्लेम पूरा लो पूरा लो फ्लेम रे रखि छी, लो फ्लेम रे आपको प्राय 40 रु 50 मिनट रखिबे। तो रखि सारि रखिबे, देखंतु मझे मु चेक करथिलि, जदी आपण चेक करिवे जदी चेक मध्ये मु आसी करथिलि, तो 40 50 मिनट पर जदी आपण को केक बेक न होइतिबो ताले आ 5 मिनट कवर कर रखि देबे। हमर आपण को केक ऑलमोस्ट रेडी प्राय 50 मिनट केक लगे, ताटो अधिक समय लगे। तो देखो मु गोटे माने छोरी को माने सेंटर पूरे कि आप देख ली कि लगे। तो जेहेतु माने आम केक ऑलमोस्ट एवं रेडी सारा, तो देखो मुझे भलसे आउर थे मारिकी देखेदेली। तो टच कले पूरा फ्लफी लगुच, पूरा ऑलमोस्ट हाथ में किसी लगुनि। तो आम केक ऑलमोस्ट रेडी गला, आपको एवं गैस फ्लेम को ग्लास फ्लेम को एवं अफ कर नवा। तो अफ कर सारापर आपको मानने थंडा हाँ छाड़ीद। तो प्राय 5-10 मिनट थंडा हो सारापर आपको मुझे डिमोल्ड कर गोटे प्लेट साहय। तो देखु आम केक मानने पैन भी किसी लगे, आखंतु पूरा के फ्लफी टाइप रही आपको देखेबी। तो देखु तो आपको आउ गोटे प्लेट साहय उल्टे नवा, देखो के सुंदर लगुच ना आम केक बहुत यामी मतलब घरे आपको निश्चय ट्राए करेंगे। तो देखो मो केक आपण मान काटिक देखा के सुंदर स्मूथ भाव में आम छोरीटा पूरा पशि जाऊँगी केक भितर। देखो आम केक ऑलमोस्ट रेडी सारा, गरम अच्छे केक। तो आपण मैंने थंडा हेले खाइले बहुत बढ़िया लगे, फ्रिज में रखिकी जदि खाइबे तो पर दिन आहरी यार टेस्ट दिगुणा हो जाए। तो आम टेस्ट मोर केक देखते केते फ्लफी केते नरम हो देखा कलर यार के यूनिक आसी ऑरेंज कलर व्हाइट कलर। मुझे मानने ऑरेंज रो वेलवेट केक आपण मानक देखली, घर निश्चय आपको ट्राए करेंगे, निजे खाइबे समस्त खुआ। आपण को वैलेंटाइन केमती कटला मत निश्चय कमेंट सेक्शन में जन। बाय।